हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में सुरक्षित होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, मैं आज आपको एक छोटी सी रेसिपी दिखा रहा हूँ जिसमें कि रोटियाँ कैसे बनाते हैं और रोटी मतलब इसमें क्या क्या मिलाएंगे रोटी स्वास्थ्यवर्धक बने और एक सुपाच्य और मतलब स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको बनाते हैं, तो बने रहे वीडियो में। तो दिखाते हैं आपको कैसे बनती है रोटी। तो दोस्तों, ये हमने ले लिया इसमें आटा और इसको छन्नी से साफ कर देंगे, जिससे कि इसमें जो भी कंकड़ पत्थर होंगे या तो कुछ भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको छान देंगे और इसको अच्छे से छानने से छान देंगे। तो ये हमारा आटा छान छान के जो है रख दिया। और इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट जो है ये है, ये थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा सेंधा नमक, ये जो है दो मुख्य हैं। तो इसमें मिला देंगे और दोस्तों इसमें ये मिला देंगे, ये अजवाइन और सेंधा नमक, इसको अच्छे से मिला देंगे और हल्के गुनगुने पानी में आटे को गूंदेंगे और ये आटा आराम से हल्का से पानी मिलाते हुए इसको गूंद के चलाएंगे। एकदम ज़्यादा पानी नहीं मिलाना है, धीरे धीरे करके इसमें पानी मिलाना है और इसको इकट्ठा करके चलाएंगे ऐसे। ये इस प्रकार से इसको धीरे धीरे हल्के हाथों से इसको मसल के चले जाएंगे और ऐसे करके अच्छे से मसल देना है। तो दोस्तों, इसमें जो है अजवाइन और सेंधा नमक मिलाने से जो है रोटी अच्छी सुपाच्य हो जाएगी, गैस वैस नहीं बनेगी और लेकिन बहुत ही लाभदायक होता है। जिनको अमूमन गैस बनती है या तो पेट में कब्जी रहती है उसके लिए ये सबसे बेस्ट रोटियाँ हैं। इस प्रकार से इसको भून देंगे, इसको ऐसे करके और थोड़ा थोड़ा पानी मिला के इसको अच्छे से भून देंगे इस प्रकार। ये जो है इसको अच्छा भून देंगे। तो आटा हमारा लगभग हमने आटा भूनते जो है तैयार हो गया, ये सॉफ्ट आटा भुना हुआ है। अब इसमें जो है मुख्य है इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ये सरसों का तेल है जो कि बहुत ही अच्छा होता है। इसमें आटे पे ऐसे लगा के इसको ऐसे करके इसको ऐसे मसल के पूरी लेयर आटे में जो है तेल लगा देंगे और ये ऐसे करके गोली बना के इसको रख देंगे, जिससे आटा जो है सॉफ्ट हो जाएगा
और ये है, और कुछ नहीं है घर में, अगर थोड़ा कपड़ा कुपड़ा नहीं है तो इसको एक पॉलिथीन लेके ऐसे ढक दो। इसको ढक के रख दिया और इसके ऊपर ऐसे एक कटोरा रख दो और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दो। हेलो दोस्तों, तो ये मैंने दाल बॉईल कर दिया है और इसके साथ यहाँ पे ये दाल फ्राई करूँगा, और दाल फ्राई के बाद जो है आपको आगे दिखाऊँगा ये रोटियाँ कैसी बनती हैं। जो स्वास्थ्यवर्धक रोटी बनेगी आज, वो आपको बनाते हुए दिखाऊँगा, और देखते रहिए। ये मैंने दाल बॉयल करके और दाल के साथ इसको परोसेंगे, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और बहुत ही पौष्टिक होती है, स्वादिष्ट भी होती है। तो बने रहे हैं वीडियो में, दिखाते हैं आपको कैसे बनती है रोटी। और ये हमारी दाल बॉयल होकर तैयार होगी। तो ये दाल बनाने के लिए हमने तेल गर्म कर दिया और इसमें ये थोड़ा जीरा, जीरे का तड़का मारेंगे, हमारा दाल फ्राई जाएगा। और इसमें ये जो दाल बॉयल की थी इसको इसमें मिला देंगे और उसके बाद रोटियाँ बनाएंगे, दिखाएंगे फिर आपको कैसे बनती है रोटियाँ। तो ये हमारा दाल फ्राइड हो जाएगा। ये देखो जीरा अभी ब्राउन हो रहा है, तो इसको ब्राउन होने तक रखेंगे। और ये हमारा जीरा ब्राउन हो गया और इसमें मारेंगे ये तो दोस्तों ये बन गई हमारी दाल, और ये दाल हमारी फ्राइड हो गई। और इसके बाद ये हमारा आटा जो हमने रखा था, इसको हो गया लगभग 20-25 मिनट हो गए। ये देखो बिल्कुल सॉफ्ट हो गया। अब इसको जो है हम लोइयां बनाएंगे, और लोइयां बनाने के बाद इसको देखो कैसे रोटी बनाते हैं। तो इसमें देखो ये जो काले काले दिख रहे हैं, ये अजवाइन भी इसमें जो है मिल गया, और ये भी फूल गया, मतलब अजवाइन भी फूल गया और जो सैंधा नमक था वो भी इसमें मेल्ट हो गया। तो इसकी रोटियां जो बनेगी बहुत ही अच्छी बनेंगी और स्वास्थ्यवर्धक होंगी, बिल्कुल गैस वैस नहीं बनेंगी, सुपाच्य रोटियां बनेंगी और सॉफ्ट सॉफ्ट रोटियां बनेंगी। तो देखो कैसे बनाते हैं, हम इनको देखते रहें वीडियो को। तो दोस्तों ये हमारी दाल बॉयल हो गई और उबलने लग गई, और ये है हल्का सा टुकड़ा हींग का। तो हींग जो है दाल में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और पाचक भी होता है, ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो अब इसको भी हम दाल में डालेंगे और इसका स्वाद भी बढ़ेगा और स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है और पाचक होता है, हींग बहुत ही टेस्ट बढ़ाता है दाल का। तो इसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो ये हमारा आटा तैयार हो गया। इसको इस प्रकार से इसको ऐसे करके ऐसे रोल बना के ऐसे हल्की हल्की लोइयाँ बनाना शुरू कर देंगे, और ऐसे लोइयाँ बनाना शुरू करेंगे। ये देखो ये बना दिया हमने, ऐसे छोटी छोटी जितनी आपको चाहिए है रोटी उतनी लोइयाँ बना दो, और ये लोइयाँ बना के ऐसे रख दो। तो दोस्तों ये रख दिया हमने तवा, और ये लोइयाँ जो हमने बना रखी थी इसको बेलना स्टार्ट करेंगे, और इस प्रकार से इसमें थोड़ा आटा लगा के और ऐसे इसको चारों तरफ से घुमाएंगे, ये इसको रखेंगे जैसे ये चिपकेंगे भी नहीं, और ये हल्के हाथों से बेलना स्टार्ट करेंगे। ये देखो मस्त से बेल रही है और चारों तरफ से, ये देखो कितनी शानदार पूरी है, कितनी अच्छी रोटी बन के तैयार हो रही है। बिल्कुल आटा सॉफ्ट बना हुआ है और इस प्रकार से इसको बिल्कुल पापड़ के जैसे लगे हैं और अजवाइन डालने से, और ये जो है यही जो है स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। ये देखो इस प्रकार से जो है इसको बेलेंगे और इसको फिर से फैला के इसको इसमें तवे में डाल देंगे। तो आपको ये
दिख रही होगी, ये देखो कितनी शानदार और सॉफ्ट रोटी बन रही है, बिल्कुल फुलके टाइप की। तो ऐसे ही हम जो है अन्य रोटियों को, तो ये जो है इसी प्रकार जो है इनको बनाते चलेंगे इस प्रकार से। ये इसको घुमा के बढ़िया से ऐसे रब करके ये और ये रोटी पलट देंगे। तो इसी प्रकार इसको फिर बनाना स्टार्ट करेंगे और इस प्रकार से इसको हल्का करके, तब तक हमारी जो ये रोटी है ये देखो कितनी अच्छी जो है फूल भी रही है और मत से पक भी रही है, ये देखो। तो दोस्तों इसी प्रकार जो है रोटियों को धीरे धीरे जितनी भी रोटी आपको बनानी है आराम से आप बना सकते हैं ये इस प्रकार। और इसको जो है इसको आज में हल्का हल्का सेक भी लेंगे रोटियों को, जिससे रोटी कच्ची ना रहे और मस्त वाली बन जाएगी। और ये देखो पक्के तैयार हो गई, देखो कितनी मस्त रोटी बन गई। तो इसी प्रकार जो है आप रोटी को बनाते रहें, इसको दूसरी रोटी बेलेंगे और इसी प्रकार जो है इसको सारी रोटियां बनाएंगे। इतनी शानदार रोटियाँ बन के तैयार हो रही है, ये देखो इसको तवे में डालेंगे और ये देखो ऐसे ही फिर इसको बनाएंगे और अच्छे से पका के ऐसे ही सारी रोटियां बनाएंगे। तो इसी प्रकार सारी रोटियां बन के, तो फाइनली दोस्तों ये देखो लास्ट रोटी है, देखो कितनी अच्छी सिक रही है। और इसी प्रकार जो है सारी रोटियां बना के तैयार कर देंगे और ये देखो कितनी मस्त रोटियां बन गई। और ये लास्ट रोटी है, तो इसी प्रकार सारी रोटियां बनाएंगे, ये देखो कितनी मस्त रोटियां बन गई। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और देखते रहें और इसी प्रकार जो है रोटियां बन के तैयार हो जाती हैं। ये देखो मस्त वाली सिक गई है रोटी और उसके बाद जो है इसको हल्का हल्का जो है हल्का जो है इसको जो है थोड़ा गैस में इस प्रकार इसको उलट पलट करके इस प्रकार से इसको जहाँ जहाँ कच्ची है वहाँ इसको अच्छे से पका देंगे। तो फाइनली दोस्तों ये बन गई हमारी रोटियाँ, ये अजवाइन और सेंधा नमक वाली रोटियाँ और ये हमारी दाल, थोड़ा हरी सब्जी और ये थोड़ा सलाद और ये मिर्च हो गई हमारी। और ये देखो कितना मस्त बन गया। तो ऐसी डाइट जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। तो आशा करते हैं आपको अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, कमेंट में भी बताएं कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। धन्यवाद।